नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आपके हिंदी भाषा के विविध रूप का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा के विविध रूप आपके राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा इत्यादि पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जिसका हम क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे। राजभाषा, पहला हम लेते हैं राजभाषा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राजभाषा किसे कहते हैं? राजभाषा किसी देश की घोषित भाषा होती है, जो राजकीय प्रयोजनों में उपयोग में ली जाती है। राजकीय प्रयोजन यानी प्रशासनिक जो कार्य होते हैं, वह कार्य जो हिंदी में हो रहे हैं, और उस दृष्टि से हिंदी को हम राजभाषा कहते हैं। ये संवैधानिक प्रावधान है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकृत किया। इसी दिन प्रतिवर्ष हम हिंदी दिवस मनाते हैं, अर्थात 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी राजभाषा है, तो क्या राष्ट्रभाषा नहीं है? राष्ट्रभाषा भी आपको पढ़ना है, बाद में चर्चा करेंगे इस पर। यह भी हिंदी भाषा के विविध रूप में एक है। पहले हम राजभाषा के बारे में जानते हैं। राजभाषा संविधान के अनुच्छेद 343 से 551 तक राजभाषा के संबंध में उल्लेख है, यानी संविधान के जो कुछ अनुच्छेद हैं उसमें से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। और उसमें ये लिखा है कि भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। जो हम हिंदी लिखते हैं वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रथम 15 वर्ष के लिए अंग्रेजी को भी मान्यता दी थी, और कहा था कि 15 साल के उपयोग के बाद इसको हटा दिया जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों के दबाव विरोध के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत संघ का यह भी दायित्व है कि हिंदी भाषा के प्रसार प्रचार के लिए वह कार्य करें। इसके लिए 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का भी गठन किया गया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक संसदीय समिति का गठन किया गया था, और उसके निर्णयों के अनुसार बाद में कुछ 1967 और 1972 में कुछ नियम और उपनियम इससे संबंधित पारित किए गए थे। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। हिंदी क्या राष्ट्रभाषा नहीं है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व जो भाषा करती है, और वह देश के अधिकतम लोगों द्वारा समझी एवं बोली जाती हो, वह राष्ट्रभाषा होती है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है, परंतु संविधान में इसका उल्लेख मात्र राजभाषा के रूप में किया गया है, क्योंकि संपूर्ण राष्ट्र हिंदी भाषा नहीं बोलता है। कुछ दक्षिण के राज्य हैं, वह अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं, परंतु जो अधिकतर भाग हैं वो हिंदी बोलता है और समझता है। आजकल का जो फिल्म निर्माण है, मीडिया है, ये काफ़ी हिंदी भाषा को बढ़ावा देते हैं। सब देखते हैं, सीरियल सब देखते हैं, फिल्में सब देखते हैं, हिंदी की भी देखते हैं, तो इस दृष्टि से समझ तो सब लेते हैं। तो राष्ट्रभाषा हिंदी जो हमारी संवैधानिक उल्लेख में केवल राजभाषा है, और जनता ने इसको स्वीकार किया है राष्ट्रभाषा के रूप में। महात्मा गांधी ने भी हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा था कि राष्ट्रभाषा होगी तो केवल हिंदी ही होगी, लेकिन
सभी के चर्चा करने के बाद संविधान सभा ने इसको राजभाषा के रूप में नाम उल्लेख किया या मान्यता दी। तो ये राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में हमने जाना। राष्ट्रभाषा नाम क्यों ना रखा हिंदी का, उस समय कुछ नेताओं ने जो अंग्रेजी है और स्थानीय भाषाओं के जानकार थे या बोलने वाले थे, उस राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, उन्होंने कहा कि पूरे राष्ट्र में यह नहीं बोली जाती है, इसलिए उसने बीच का रास्ता राजभाषा के रूप में निकाला। आगे हम देखते हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के अलावा भी, यानी कुल हिंदी सहित 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, और ये जो 22 भाषाएं हैं इसको संविधान सभा ने मान्यता दी और अलग अलग समय में ये जुड़ती जा रही हैं। पहले इससे कम थी, बाद में 3, 4, 1, 2 ऐसे 15, 14 थी, उसके बाद 15 हुई, 18 हुई, 22 हुई। इस प्रकार ये कुछ भाषाएं हैं जो भारत की 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान के सम्मिलित हैं, इस मान्यता प्राप्त हैं। IAS के एग्ज़ाम भी इन भाषाओं का एक प्रश्न पत्र लेकर के पास किए जा सकते हैं। NET के एग्ज़ाम भी इसमें इन भाषाओं में होते हैं, ये मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इसमें असमिया, उर्दू, उड़िया, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बंगाली, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। अब जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी नौ भारतीय राज्यों की आधिकारिक या मुख्य भाषा है। जैसे हमारा राज्य राजस्थान है, इसकी जो मुख्य भाषा वो हिंदी है, और इसके अलावा भी कुल 9 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, दिल्ली है जैसे, और अंडमान निकोबार है। तो ये बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों की ये मुख्य भाषा हैं। संविधान के जो नियम उपनियम बने, नहीं, भारतीय भाषा के अंतर्गत जो नियम उपनियम 1972 में आए थे, उसमें राजभाषा के अंतर्गत जो क, ख, ग राज्यों को इन 3 समूहों में बांटा था। तो पहले जो क समूह के राज्य, वो ये 9 राज्य हैं। इसमें जो पत्र व्यवहार केंद्र सरकार करती है वो हिंदी में करती है। ख समूह के राज्य इसके अलावा हैं, ग समूह के राज्य जो केवल इंग्लिश में पत्र व्यवहार होता है, ख समूह के राज्य उनको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में अगर भेजा तो उसका साथ में इंग्लिश भी उसका अनुवाद भेजते हैं। तो ये कुछ व्यवस्थाएं हैं। और अपना जो राजस्थान है उसकी मुख्य भाषा हिंदी है, और त्रिभाषा फॉर्मूला विद्यालयों में चलता है, यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का, संस्कृत भी हमारी बहुत प्राचीन भाषा है। तो इस प्रकार राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में वैसे यहाँ हम माने तो अंतर नहीं है, कल सब परिवर्तित किया गया है। राजभाषा का यहाँ प्रयोजन है, अर्थ है, तात्पर्य है कि राजकीय कामों में जो भाषा काम में ली जाएगी, राज्य के कार्य जो होंगे वो हमारी राजभाषा है, वो हमारी हिंदी भाषा है, प्रशासनिक दृष्टि से जो कार्य करते हैं। और राष्ट्रभाषा तो हम जहाँ पर जो भी भाषा बोली जाती है, अधिक लोग जो समझते हैं उसको हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। इस दृष्टि से हमारी हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि लगभग 50% के आसपास लोग हिंदी को समझते हैं, भारत में बोलते हैं। और कानूनी दृष्टि से या संवैधानिक दृष्टि से कहें तो इसका जो राष्ट्रभाषा, हिंदी का ही नाम राजभाषा रूप में संविधान सभा ने सुझाया। तो इस प्रकार हिंदी के विविध रूप में आज हम इन 2 रूपों की चर्चा की है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा। आगे के वीडियो में हम
और जो आपके पाठ्यक्रम में हिंदी के विविध रूप शामिल है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।